YouTube चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए डेली NCR में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाता रहता हूँ। आज इसी तरह गाइस, मैं आप लोगों के लिए रेजिडेंशियल सेगमेंट में प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूँ, जिसकी लोकेशन हमारे रहने वाले पश्चिम विहार का BG7 ब्लॉक। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको बताऊँ, आज हमारी जो अवेलेबिलिटी की बात करूँ, अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की अवेलेबिलिटी रहने वाली है 100 yards का आपका, मतलब आपकी बिल्डिंग रहने वाली है, जिसके अगर मैं आपको बताऊं 20x45 का इसका नक्शा मतलब साइज रहने वाला, फ्रंट आपका 20 का एंड डेप्थ अगर मैं आपको बात करूं 45 की डेप्थ रहने वाली है, 20x45 का नक्शा। ईस्ट फेसिंग हमारी यूनिट रहने वाली है, जिसके अंदर अगर अवेलेबिलिटी की बात करें अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर एंड काफी बहुत ही बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन से आ रहा है 100 yards में 3 BHK बिना किसी वेट के गाइस। अभी वीडियो स्टार्टअप करते हैं, उनकी एंट्री यहाँ से रहने वाली है गाइस। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी लिफ्ट रहेगी, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से अवॉइड करके आगे निकलूंगा, शोर है क्योंकि काम चल रहा है। शेयर केस एरिया रहेगा प्रॉपर, की शेयर रहेंगी। फ्लोर की अगर एंट्री की बात करें, हमारा फ्लोर की एंट्री आने वाली है, एंट्री पे ही अगर बात करें फर्स्ट रूम किचन आपकी वॉशरूम, अगर 2 वॉशरूम मिलेंगे, 3 बेडरूम मिलेंगे सेकेंड एंड थर्ड। अगर हम यहाँ से बात करें फर्स्ट रूम की तरफ वाइज चलते हैं, तो आप एंट्री पे ही आते ही देख सकते हैं ये हमारा रहने वाला है। जैसे कि आपका फ्लोर का कॉन्सेप्ट रहता है 100 yards का, आपको स्टार्टिंग पे ही आपको यहाँ पे ब्रॉड रूम मिल जाती है प्रॉपर। एंड यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये प्रॉपर स्पेस है, ये आपका बेडरूम है 20x45 का आपका नक्शा प्रॉपर प्रॉपर्टी का। मैं बात करूँ फ्रंट की 20 एंड डेप्थ 45 की रहने वाली है। यहाँ पे आते ही आप ये देखें स्पेस मिल जाता है, आपका वॉशरूम रहेगा गाइस, आप देख सकते हैं अभी स्विचेस वगैरह सब कुछ लगना है। एंड कॉन्सेप्ट कलर पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, ये आपका वॉशिंग एरिया, मतलब हम इसको स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर ग्रिल मिलती है सेफ्टी पर्पज से। अवेलेबिलिटी की बात करें, अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की अवेलेबिलिटी रहने वाली है प्रॉपर। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, सारे आपको नलके वगैरह मिलते हैं एंड विंडोज हर चीज़ है, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी इशू नहीं रहेगा प्रॉपर्टी में, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी अगर आप देखें प्रॉपर स्पेस मिलता है। एंड ये आपका फर्स्ट रूम मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर। अभी टीवी पैनल अगर आपको मैं दिखाऊँ, स्पेस वगैरह सब कुछ रहेगा, स्विचेस हर जगह रहेंगे गाइस, हर जगह आपके स्विचेस हैं। एंड अगर मैं आपको प्रॉपर इसकी बताऊं, वाटर एरिया रहेगा, अच्छी क्वालिटी लकड़ वगैरह सब वर्क यूज होता है, 100 yards का हमारा रहने वाला, जिसके अंदर आपका 3 BHK रहेगा गाइस। पोजीशन की बात करें गाइस, आपको 2 months के अंदर पोजीशन मिल जाएगी। ऊपर बात करें, फॉल सीलिंग काम भी बहुत ही प्यारा एंड शानदार है। अभी जब फाइनल टच पे प्रॉपर्टी आएगी, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ और कुछ यूनिक दिखेगी। यहाँ से भी अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, प्रॉपर लकड़ का भी दिखाऊँ, लकड़ की फिनिश भी पॉलिश भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। एंड स्विचेस वगैरह सेफ्टी के लिए प्रॉपर ग्रिल पहली लग चुकी है। एंड वेंटिलेशन के लिए भाई बहुत ही बढ़िया यूनिट रहने वाली है, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम होना है अभी, बट पोजीशन इन 2 months है। यहाँ का प्रॉपर आपकी किचन रहेगी, बट किचन से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। उस रूम में मैंने आपको वॉशरूम दिखा दिया, अब ये हमारा जो रूम रहने वाला है टाइल्स वगैरह, पहले आपको मैं वर्क दिखा दूँ, नीचे जो पत्थर का हो चुका प्रॉपर आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको बालकनी भी कनेक्टेड मिलेगी। एंड उससे पहले ये आपका प्रॉपर, यहाँ पे आपकी अलमीरा हो जाएंगी एक, ये एंड एक ये प्रॉपर। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये आपका हमारा सेकंड वॉशरूम हो जाएगा, जिसके साथ इस रूम के साथ, जिसके साथ हमारा बालकनी भी कनेक्टेड है। काम होना है, अभी चल रहा है, बट आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट रहता है 20x45 का नक्शा गाइस, आप देख सकते हैं। ऊपर भी फॉल सीलिंग का कुछ नया कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी होता क्या सेंटर में होता है एंड आपका एंड साइड साइड में होता है, बट ये कुछ इधर से निकाला तो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। विंडो प्रॉपर एंड ये हमारी रोड रहने वाली है, रोड की अगर मैं आपसे बात करूं वहाँ तक, मतलब प्रॉपर लोकेशन भी है, दिखा दूंगा बाकी आपको नीचे से भी। एंड ये हमारा थर्ड रूम रहेगा गाइस, अगर मैं आपको आगे बढ़ के दिखाऊं, ये हमारा किचन का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जिसके अंदर आपको वाइड विंडोज मिलती है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर। अभी सारा का सारा काम होना है, बट ये है कि कुछ ही दिन के अंदर आपको और इसका नया स्ट्रक्चर दिख जाएगा, मतलब किस तरीके से फर्निशिंग पे आएगा। वर्क की बात करूं, एक एक चीज की बात करूं, सब कुछ क्वालिटी के मटेरियल यूज अप हो रहा है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ये एंड दिस इज द विंडो, सारा नया टेक्नोलॉजी एंड नए कॉन्सेप्ट से काम। ऊपर भी आपसे बात करूं, फॉल सीलिंग का काम कुछ नया कॉन्सेप्ट है इस बार। सो बेसिकली ये हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है गाइस। बात कर लेते हैं आज हम इस प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी अगर मैं आपको डिटेल्स दूं, ये हमारा पश्चिम विहार में BG7 ब्लॉक के अंदर हमारी यूनिट रहने वाली है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ गाइस, अपर ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर की हमारी अवेलेबिलिटी रहने वाली है। अब आती है बात हमारी आगे क्या रेट्स रहने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, एक ये ईस्ट फेसिंग हमारी यूनिट रहने वाली है। अवेलेबिलिटी अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पश्चिम विहार BG7 ब्लॉक, वाइड रोड रहने वाली, काफी खुली रोड है। स्टिल्ट पार्किंग के अंदर भी आपको ऑन पेपर एक कार पार्किंग का मिलता है। एंड अब आते हैं प्राइसिंग का। प्राइसिंग मैं आपको गाइस कोई फिक्स नहीं बताऊंगा, बट आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें एक फ्लोर की, अगर हमारी प्राइसिंग की बात करें,
आपका 1.5 सीआर से मतलब 1.60 सीआर के बीच रहेंगे रेट्स, नेगोशिएबल रहेगा गाइस, कुछ ना कुछ ऑन टेबल नेगोशिएट होता है। एक मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, कोई रेट्स फिक्स नहीं है, ऑन कॉल आपको बाकी रेट्स बताए जाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है गाइस जहाँ पे रेट्स फ्लक्चुएशन होती रहती है ऊपर नीचे। सो मैं आपको अभी कोई रेट का श्योरिटी नहीं दूंगा कि मैं आपको ये दे दूँ उस पर प्राइस फिक्स रहेंगे, तो ये नहीं है। एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस नंबर रहेगा। बाकी होप करूंगा आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बाकी मिलूंगा मैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन अपना ध्यान रखें, बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा, बाय बाय।